हेलो फूडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी, और साथ में मिर्ची लच्छा पराठा की रेसिपी। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि जो मलाई कोफ्ता है वो थोड़े मीठे साइड पे है, तो मिर्ची लच्छा पराठा के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी पनीर, ग्रेटेड पनीर लिया है। उसके बाद एक कटोरी, सेम कटोरी से मैंने बॉयल आलू ग्रेट करके यहाँ पे लिया है। उसके बाद 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है, फिर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली थी, और अच्छे तरीके से सबको मिला लेंगे, सबको नमक और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और फिर उसके बाद हम हाथ साफ़ करके थोड़े से हाथ में तेल लगाकर इसे हम अच्छा सा एक बॉल बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम सभी कोफ्ता को रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मिक्सर में डाल रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हम बॉल्स रेडी करेंगे ताकि वो फटे ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी बॉल्स को रेडी कर लिया था। अब हम इसमें कोफ्ता को डाल देंगे हाई हीट पे, और कोफ्ता जैसे ही आप डालें वैसी फ्लेम को लो कर दें, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम करने के बाद बस 30 से 50 सेकेंड के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से लाल करके फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो कोफ्ता है वो फ्राई हो चुका है, इसे और थोड़ा सा लाल कर लेंगे। और एक बात याद रखें, आप इसे ज़्यादा लो फ्लेम पे ना करें, नहीं तो क्या होगा, ये फटने लगती है। हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है, अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कोफ्ता की ग्रेवी बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। उसके बाद अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे वही तेल यूज़ किया जिसे मैंने कोफ्ता को फ्राई किया था। उसके बाद हम यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 4 इलायची यूज़ किया, छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 दालचीनी। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पे प्याज को रफली चॉप किया है, क्योंकि हम लोग को इसमें फ्राई करने के बाद इसे पीसना ही है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने खड़े खड़े अदरक और लहसुन डाला है, क्योंकि अगेन हमें पीसना है, तो हम इसमें ज़्यादा बारीक करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें काजू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 15-20 काजू का यूज़ किया है, और इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे काजू डालना बहुत ज़रूरी है, कोई भी शाही पनीर या मलाई कोफ्ता की ग्रेवी होती है उससे काजू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसके बाद हम इसमें 3 से 4 टमाटर लेंगे। ऑलमोस्ट मेरी जो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी है वो सेम है। फिर उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से सबको मिला लेंगे। और इसके बाद हम इसे गैस ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही आप इसे पीसें। अगर आपको जल्दी पीसना है तो आप मिक्सी ग्राइंडर में इसे डालकर पानी के जगह 5 से 6 इसमें बर्फ़ डाल के तब पीस लें। यहाँ पे आप गरम गरम कभी भी मिक्सर को मत पीसें, किसी भी चीज़ को गर्म मत पीसिएगा। यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें थोड़ा ठंडा करके फिर पानी डालने के बाद पीसिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बर्फ़ डालने के बाद पीसिए, ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। फिर हम इसे एक छन्नी की मदद से अच्छे तरीके से छान लेंगे, ताकि हमारी जो रेस्टोरेंट जैसी स्मूथ ग्रेवी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है छानना, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो निकल जाएगी, और हमारी जो स्मूथ सी ग्रेवी की पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करके तेल डाला है। तेल को यहाँ पे मैंने ज़्यादा गरम नहीं किया, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गरम करेंगे तो जो मसाले अभी हमने डालेंगे वो जल सकते हैं। मसाला में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। उसके बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया है वो इसमें डाल देंगे।
और यहाँ पे फिर गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम करके हम ग्रेवी को अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि ग्रेवी को अच्छे तरीके से पकाना है, मतलब जितनी भी ये कंसिस्टेंसी आपको आप देख रहे हैं उसको एकदम गाढ़ा करना है। इट मीन्स कम से कम हम इसे 5 से 10 मिनट तो ज़रूर ग्रेवी को अच्छे तरीके से पकाना है, तभी जो होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अभी 7 से 8 मिनट पका लिया है। उसके बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे, उसके बाद सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्रीम को अच्छे तरीके से मिला लेंगे हम। अगर आपके पास मलाई डाल रहे हैं आप तो आप उसको थोड़ा सा फेंट के डालें। अब इसको मिलाने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी दूध डालेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। दूध से अगेन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसका ग्रेवी भी बिल्कुल अच्छी रेडी होती है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से सबको मिला लेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट तक हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और फिर से अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा इसे हाथ पे इस तरीके से रगड़कर इसे इसका जो फ्लेवर है ये बहुत ही इन्हांस हो जाता है। हमारा मलाई कोफ्ता की ग्रेवी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे अलग रख देंगे। अब हम चलते हैं लच्छा पराठा के तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 बाउल में 2 कटोरी आटा लेंगे। तो आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं या आप चाहे तो हाफ मैदा और हाफ आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यह इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और उसके बाद पानी डालकर हम इसे अच्छे तरीके से एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। इसमें अभी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा हम लोग टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून अच्छे रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे, एकदम बिल्कुल हर तरफ से तेल लगाकर। और उसके बाद हम इसे अगेन 5 मिनट के लिए बस रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद हमारा आटा जो है लच्छा पराठा वाली वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी लोई कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप कट कीजिए, सब बराबर आपकी लच्छा पराठा बनेगी। तो यहाँ पे हमने लोई रेडी कर लिया है, अब हम इसे बेल लेते हैं। यहाँ पे हम अच्छे तरीके से एक रोटी की तरह बेलेंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लोई में आटा लगाया है और इसे अच्छे एकदम पतला बेलना है, एकदम पतला। तो देखिए इस तरीके से हम बेल लेंगे और बेलने के बाद अब हम इसमें घी या बटर लगाएंगे। तो जो भी आप लगा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से लगाएं और उसके बाद इससे क्या होगा कि आपकी जो लेयर है लच्छा पराठा की लेयर वो अच्छे से खुलेगी। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे तरीके से लगा लिया है और इसमें थोड़ा सा मैदा या आटा हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे। और देखिए इस तरीके से हम इसे, जैसे आप बचपन में पंखे का डिज़ाइन बनाते थे उसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे कॉर्नर तक फोल्ड कर लिया है। अब इसे इस तरीके से उठाकर हम लोग इसे गोल गोल घुमा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद अंदर हम इसे टैप करके अलग एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से सभी को बना के हम इसे फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 15 से 20 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आप जैसे ही फ्रिज में रखते हैं तो घी या बटर है वो जम जाती है और जब आप गैस पे इसे डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से लेयर खुलनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज से निकाल कर इसमें बारीक कटी हुई मिर्ची डालकर अब हम इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा लगाकर हम बेलेंगे ताकि ये चिपके ना, और जो लच्छा पराठा को बेलना है वो ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसे मोटी ही रखनी है, तभी इसका जो लेयर्स है वो अच्छे तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने तवा को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और यहाँ पे मैंने लोहे का तवा इस्तेमाल किया है क्योंकि लोहे के तवे पे ये लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप नॉनस्टिक पे बनाइएगा तो इतना अच्छा बाहर जैसा आपको टेक्सचर और क्रिस्पी
नहीं मिलेगी। तो इसके बाद मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगा के दोनों तरफ से जैसे आप पराठे को सेकते सेम उसी तरीके से इसे हम सेक लेंगे। तो हमारा लच्छा पराठा रेडी हो चुका है। अब मलाई कोफ्ता को हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे से मैंने ग्रेवी रखा, उसके बाद मलाई कोफ्ता, उसके बाद ऊपर से ग्रेवी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और उस ऊपर से थोड़ी सी क्रीम। उसके बाद हम इसे लच्छा पराठा के साथ एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।